Okay, in this video you will get to know the essence of Aunt Jennifer's Tigers. Here is the poem outline. In her poem Aunt Jennifer's Tigers, Adrian Rich addresses. Poetess कौन है? Spelling learn कर लेना proper. ज़्यादातर बच्चे गलत लिख देते हैं. Adrian Rich addresses the issue of male dominance. जो इसका theme है वो male dominance है. The poem brings out the struggles and conflicts of a woman has to go through in male chauvinistic society, यानी male dominating society. आप इन lines को भी learn कर लोगे ना तो बहुत helpful है. Aunt Jennifer, the protagonist, is symbolic of women all over the world who are victims of oppression at the hands of the patriarchal system. Thus, the poem illustrates the poet's feminist concern. Feminist is not something related to relating to women only. It is the sense of knowing her rights. अगर किसी लड़के को भी अपने राइट्स एंड ड्यूटीज़ पता है तो वो फेमिनिस्ट है. ठीक है, तो इसे मिसकंसेप्शन और मिसअंडरस्टैंड मत करना कि फेमिनिज़म का मतलब सिर्फ फीमेल्स रिलेटेड है, बिल्कुल भी नहीं है. हाँ, जैसे अनसीन पैसेज में भी पता है क्या होता है, जो CBSE है इस बार वो क्वेश्चंस कैसे पूछने वाली है कि एनालाइज करो, डिफाइन करो, इवैल्यूएट करो, क्लासीफाई करो, असेसमेंट करो, आइडेंटिफाई करो, कॉमेंट करो, आइडेंटिफाई करो, फाइंड आउट करो, क्योंकि वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं. अनसीन पैसेज कर रहे हो या सीन पैसेज कर रहे हो, आपको ये वाले क्वेश्चंस, इस तरीके की जो वोकैबुलरी है क्वेश्चंस को पूछने में, वो CBSE यूज़ करने वाली है, क्योंकि उनका मेन मोटो है कि बच्चा पढ़ने के बाद इन सारी चीज़ों को कर पा रहा है या नहीं. जैसे अभी डिमांड आई थी कि अनसीन पैसेज पर वीडियो होना चाहिए, लेकिन अनसीन पैसेज के लिए क्या करना है, कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट तो हो नहीं सकता है. इस पोएम को मैं भी एक्सप्लेन करती हूँ, लेकिन कुछ दो चीज़ें जो रिकॉल हुई उनको डिस्कस कर लेती हूँ. अनसीन पैसेज के लिए कोई फॉर्मेट हो ही नहीं सकता है. ठीक है, उसके लिए वो कैबलरी स्ट्रांग होनी चाहिए. और फर्स्ट तो जब आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर आए, टाइम मैनेज कैसे करना है, जब क्वेश्चन पेपर हाथ में आएगा 10:15 पर क्वेश्चन पेपर होगा आपके पास, तो वो जो 15 मिनट्स हैं वो प्रॉपर यूटिलाइज करने हैं और अनसीन पैसेज को ठीक से पढ़ना है. और पहले क्या करना है, अनसीन पैसेज को डायरेक्टली नहीं पढ़ना, उसके क्वेश्चंस को पढ़ो. क्वेश्चन पढ़ के थोड़ा सा आइडिया होगा कि क्वेश्चन पेपर जो पैसेज है वो किस टाइप का है, उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन होंगी. फिर जल्दी से एक सरसरी नज़र मारो क्वेश्चंस के ऊपर, फिर पैसेज को पढ़ना शुरू करो. पेन चलाना अलाउड नहीं होता, तो आप पेंसिल से मार्क करते रहना. और जहाँ तक वोकैबुलरी का क्वेश्चन है ना, वोकैबुलरी के लिए क्या करना है, जहाँ आपको सुटेबल लगता है, जहाँ सुटेबल लगता है उस वर्ड को रिप्लेस करके देखना कि अगर मैं इस वर्ड को यहाँ रख लूँ तो मीनिंग जा रहा है या नहीं. उसमें आपको सिर्फ अपना असेसमेंट ही लगाना है. देखो वोकैबुलरी सब, बहुत सारी वोकैबुलरी है, सब लोग लर्न तो कर नहीं सकते हैं, तो आप गेस पावर वहाँ चलेगी. और अगर कहीं एक वर्ड में कन्फ्यूज़न लगता है तो स्लैश लगा के दो वर्ड्स लिख लेते हैं, लिख सकते हो स्लैश लगाकर दूसरा वर्ड भी लिख सकते हो जहाँ डाउट है कि ये भी सही लग रहा है मुझे, ये भी सही लग रहा है. बट सभी क्वेश्चंस में मत करना ये वाली ट्रिक, किसी एक दो जगह ही कर सकते हो, सब जगह नहीं करना. कोशिश करना जो मोस्ट अप्रोप्रिएट लगे वही वही करो. और क्वेश्चन को, चाहे एनसीन पैसेज के क्वेश्चन पढ़ रहे हो या चैप्टर बेस्ड लिटरेचर बेस्ड क्वेश्चंस पढ़ रहे हो, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्या पूछ रहा है, डिफाइन करने को कहा है या फाइंड आउट करने को कहा है. ये नहीं कि उसे सिमिलर वर्ड मिला और पूरा पैसेज लिख दिया, जितना पूछा जाए उतना ही करना है. हाँ, जेनिफर की आउटलाइन, कम बैक, आउटलाइन पढ़ लिया हमने, एक्सप्लेनेशन. आंट जेनिफर टाइगर्स किसकी बात हो रही है यहाँ पर, आंट जेनिफर के टाइगर्स की, जो प्रांस कर रहे हैं यानी कि जंप कर रहे हैं अक्रॉस अ स्क्रीन, स्क्रीन के ऊपर. ब्राइट कहा है उनको, ब्राइट येलो कलर के हैं, टोपाज यानी येलो कलर जो स्टोन पहना जाता है रिंग में. ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री, मतलब उन्हें डर नहीं लगता है उन मैन से जो उन्हीं का शिकार करने आए हुए हैं. दे पे इन स्लीक शिवलरिक्स, शिवलरिक क्या होती है, सोल्जर्स जैसी ब्रेवरी, स्लीक यानी जल्दी से भाग जाते हैं, रन करना नज़ाकत के साथ, सर्टेनिटी. ठीक, आंट जेनिफर फर्स्ट पैराग्राफ में क्या दिखाई थी, आंट जेनिफर दिखाई थी. यहाँ पर पैराग्राफ को, पोम को थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया. इन द फर्स्ट पैराग्राफ वी हैव द टाइगर्स, इन द सेकेंड पैराग्राफ वी हैव आंट, एंड इन थर्ड पैराग्राफ वी हैव अ कंपैरिजन बिटवीन बोथ, कि उनके मरने के बाद वो लोग कैसे रिएक्ट करते हैं. तो सेकंड फर्स्ट स्टैंजा में सॉरी टाइगर्स थे, सेकंड स्टैंजा में आंट है. आंट जेनिफर कैसे दिखाई है, बहुत डरी हुई, सहमी सी, जैसे उसको मार के रखा जाता हो.
आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटर थ्रू हर वूल, यानी जब वो क्या करती थी, ये जो टाइगर्स वो बनाए थे जो फर्स्ट स्टैंजा में दिखाए गए हैं, वो टाइगर्स कहाँ के हैं, जंगल के रहने वाले हैं। सर्कस में भी होते हैं टाइगर्स तो, जू में भी होते हैं, लेकिन ये वो हैं जो ब्रेव हैं, क्योंकि जो टाइगर्स हैं वो किसको दिखा रहे हैं, मेल्स को दिखा रहे हैं, मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी को दिखा रहे हैं, जिनको किसी से डर नहीं लगता और वो अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जीते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें यहाँ क्या दिखाई दे रहा है कि आंट ने टाइगर्स को इसलिए सेलेक्ट किया है कि वो भी चाहती थी, शी ऑल्सो वॉन्टेड टू एन्जॉय दैट टाइप ऑफ फ्रीडम विच मेल्स वर एन्जॉइंग, बट शी कुडंट बिकॉज ऑफ हर मैरिज। सो वो अपने उन हिडन डिज़ायर्स को एक्सप्रेस करती है एम्ब्रॉयडरी के थ्रू, जब वो पैनल पे यानी कि स्क्रीन पे टाइगर्स को बनाती है, क्योंकि उसने टाइगर्स को सिलेक्ट किया है, टाइगर्स जो कि मेल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सेकेंड स्टैंजा में आंट के बारे में बताया है, क्योंकि ये किसी एडन रिच ने किसी ऐसे पर्सन के बारे में लिखा है जिसने उसको बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया है। सो आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग, जब वो वूल से एम्ब्रॉयडरी कर रही है, टाइगर्स को बना रही है, तो क्या लग रहा था उसे, उसकी उंगलियाँ कांपती रहती थी। इवन द आइवरी निडल, जो उसके पास आइवरी निडल है, वो भी उसके लिए बहुत मुश्किल होती थी खींचना, क्योंकि क्यों उसके हाथ कांपते रहते थे। कांपते क्यों थे, क्योंकि उसे हर वक्त क्या रियलाइज होता था, द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, क्योंकि क्रिश्चियंस में रिंग एक्सचेंज करके शादियां होती हैं, तो वो जो उसकी फिंगर में उसे पर रिंग दिखाई देती थी, जो उसे बांध के रखती है, जो उसे याद दिलाती है कि नाउ यू आर बाउंड टू दैट पर्सन, और उसके डोमिनेंस को याद करती थी, जिसकी वजह से उसकी उंगलियाँ कांपने लगती थी। सेट्स हैविली, कौन सेट्स हैविली, कौन बैठा हुआ है, वो बर्डन, वो जिम्मेदारियाँ, वो बोझ जिसे उसको निभाना पड़ रहा है, क्योंकि वो विलिंग नहीं है, मे बी उस टॉर्चर की वजह से। थर्ड स्टैंजा में ना उसकी आर्ट को उसके साथ कंपेयर किया गया है, कहा गया है कि व्हेन आंट इज डेड हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई स्टिल रिंग्ड विद ऑर्डील्स शी वॉज मास्टर्ड बाय। ऑर्डील्स क्या है, अभी आपको वर्ड मीनिंग्स दिखाती हूँ। अनप्लीजेंट एक्सपीरियंसेस हैं, पास्ट की कुछ चीज़ें हैं जिनमें वो मास्टर थी, मतलब वो अपने काम करती रहती थी जिसमें वो पूरे लाइफ टाइम बिजी रही, वो ऑर्डील्स हैं उसके लिए, वो घिरी रहेगी। तो लास्ट में एड्रिन रिच क्या कहती है कि जब आंट मर भी जाएगी ना, तो ऐसा लगता है कि उसके डरे हुए हाथ घिरे रहेंगे उन्हीं कामों से, वो उसे टॉर्चर से मर के भी बाहर नहीं निकल पाएगी, जबकि जो टाइगर्स है जो उसने पैनल में बनाए हैं, दैट शी मेड, विल गो ऑन प्रांसिंग प्राउड एंड अनअफ्रेड, वो हमेशा प्रांस और प्राउडली जंप करते रहेंगे। प्रांसिंग क्या है, जंपिंग। देखो ये री वोकैबुलरी, सो हम देख सकते हैं प्रांस यानी जंप। स्क्रीन क्या है, यहाँ पर एक वॉल है, सरफेस है। टॉपेज क्या है, ब्राइट येलो प्रीशियस स्टोन है। डेनिजन्स कहते हैं रहने वाले, इनहैबिटेंट्स। शिवलरी कहते हैं ब्रेव और ऑनरेबल, सोल्जर्स जैसे। सर्टेनिटी यहाँ पर लिया गया कॉन्फिडेंस से। फ्लटरिंग कांपना, मैसिव हैवी वेडिंग बैंड, पैक्ट जो समझौता हुआ है, रिंग्ड। कन्फाइंड कहते हैं बंधा हुआ, जेल की तरह। ओडील्स अनप्लेजेंट और पेनफुल एक्सपीरियंसेस, मास्टर्ड कंट्रोल्ड, और पैनल मतलब फ्लैट बोर्ड जिस पे उसने एम्ब्रॉयडरी की है। यहाँ पर एक चीज़ और बोला था, ये बोर्ड में क्वेश्चन आया था कि आंट के मरने के बाद टाइगर्स जिंदा रहेंगे। टाइगर्स क्या हैं, आर्ट है उसकी जो उसने बना दिए हैं, जो कि मॉर्टल हो गए, अमर हो गए हैं, सॉरी इमॉर्टल हो चुके हैं। वो चाहे मर भी जाएगी तो भी उसकी आर्ट कभी ख़त्म नहीं होगी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द एसेंस ऑफ द पोएम।